अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ख्वातीन और मर्दों को एक बहुत बड़ा इशू होता है फैट का, मोटापे का। तो तिब यूनानी इसके हवाले से क्या कहता है, हमारी जो साइंस है वो इस हवाले से क्या कहती है कि वज़न क्यों बढ़ता है, मोटापा क्यों होता है, और असलियत में, हकायक में ये चीज़ें क्या हैं। तो इस पे देखिए जी, सबसे पहले कि हमारे पास चार इखलात हैं, बलगम है, खून है, सुदा है और सुफरा है। सुफरा का मिजाज गर्म खुश्क है, सुदा का मिजाज सर्द खुश्क है। तो पहले तो यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए कि सर्दी खुश्की से चीज़ें सुकड़ेंगी, वज़न कम होगा, वज़न गिरेगा। गर्मी खुश्की से चीज़ें फैलेंगी, वज़न बढ़ेगा। तो पहला तो यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैं नहीं कहता कि नज़रिया मुफरद अज़ा में गलत है सही है, मुझे नहीं पता, ये आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा। मुझे इतना पता है कि सर्दी से चीज़ें सुकड़ती हैं और गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, ये साइंस है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि सुदा की ज़्यादती से वज़न कम होता है, चीज़ें सुकड़ती हैं। सुफरा की ज़्यादती से वज़न बढ़ता है, चीज़ें फूलती हैं। इसको आप फूलना कह लें, फैलना कह लें, मोटा ताज़ा होना कह लें। तो पहला तो ये है कि सुदा से ही वज़न कम होता है और सुफरा से ही वज़न बढ़ता है। अब सुदा बलगम के साथ मिलेगा तो तब क्या होगा, तब भी खून गाढ़ा होगा, वज़न कम होगा, मोटापा कम होगा। सुदा अगर खून के साथ मिले, खिलते खून के साथ, तब क्या होगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम वज़न की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये है कि जब सुदा बलगम के साथ मिलता है तो दिमागी अमराज पैदा होते हैं, और जब सुदा खून के साथ मिलता है तो फिर दिल के अमराज पैदा होते हैं। तो ये बिल्कुल वाज़ह सी कैलकुलेशन है। और इस तरह से सुफरा जब बलगम के साथ मिलता है तो मोटापा होता है, और सुफरा जब खून के साथ मिलता है तो मोटापा नहीं होता, लेकिन कुछ डिजीज़ जो हैं वो लीवर के हो जाते हैं, जिगर के हो जाते हैं। तो हमें ये क्लियर हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है, यानी सुफरा जब बलगम के साथ रिएक्ट करेगा आपकी बॉडी के अंदर तो तब मोटापा होगा। इलाज क्या करना है, इलाज करना है जी सर्द खुश्क। तो आप इसमें वो जो लेमन पानी वाला नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे दवाखाने का सीरे मेजल कोर्स मंगवा सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई है। तिब्बे यूनानी के जो हुक्मा हैं वो खुद इसका इलाज कर सकते हैं, और अगर आप लोग खुद इसका इलाज नहीं कर सकते तो अक्सर मैजर कोर्स आप हमसे मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। फिमानिला अलाफिज़।